myself Shalu, instructor in dress designing and tailoring at Kanya Mahavidyalaya Kharkhoda. Students, आज हमारा टॉपिक है थंब पेंटिंग. आज हम देखेंगे कि थंब पेंटिंग की हेल्प से हम अपने ड्रेस डिजाइनिंग या पैचिक पेंट्स या कुशन पेंट्स कैसे कर सकते हैं. मैं आपको आज थंब पेंटिंग का डेमो दूंगी. इसके लिए देखिए, हमने एक सैंपल ले लिया है छोटा सा. इसकी जगह आप अपना सूट या बेडशीट या जिस पर भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको लगे कि ये मुझे इस पे डिज़ाइनिंग देनी है. इस पे आप फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए. फ्री हैंड आपने ये ड्रॉ कर लिया है इस पे, ठीक है. और आज हम विद द हेल्प ऑफ थंब पेंटिंग, ये देखिए, ये हमारा थंब है. हम यहाँ पर डिजाइनिंग करेंगे. मान लो हम एक पेड़ की शेप बनाने जा रहे हैं आज. एक थंब से आप बहुत वेरिएशन दे सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से हमारी डिजाइनिंग हो जाएगी. ये देखिए, ये हमने एक पेड़ की शेप बनाई है. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हम फ्लावर शेप भी दे सकते हैं हम इसको, अगर हम चाहें. ये देखिए, ऐसे हमारा एक फ्लावर भी प्रिपेयर हो सकता है. पेंटिंग करना सबसे इजी टास्क होता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सुंदर भी बनता है और बहुत क्रिएटिव होता है. हमारे जितनी क्रिएटिविटी हम यूज़ कर सकते हैं, हम वो सब अप्लाई कर सकते हैं पेंटिंग में, ठीक है. जैसे हमने ये लीव बनाई है, इसको हम डिज़ाइनिंग देके समथिंग एल्स भी बना सकते हैं. हमारे पास अगर जीरो पॉइंट का ब्रश है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो हम बैक भी यूज़ करेंगे. जैसे ये थंब हमने अगर यहाँ पर यूज़ किया है तो हमने इसको देखिए, हम इसको थंब की चिड़िया बना सकते हैं. ये हमने इसको स्पैरो लुक दे दिया है. ये देखिए, तो ये इस टाइप से हमें देखिए, ये हमने यहाँ फ्लावर शेप दे दिया है. यहाँ हमने इसको स्पैरोज इससे बनाई हैं, बहुत सुंदर सुंदर. तो थंब के पेंटिंग से भी हम थंब इंप्रेशन से भी बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट देके अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. थैंक यू.